यहाँ पर विक्रौली में एक खास मौका है। विक्रौली का ये खास मौका हम आपको दिखा रहे हैं। खुद रेल मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर विस्फोट की तैयारी की जा रही है। विस्फोटक लगा दिए गए हैं, खास तरीके के विस्फोटक हैं जिनको कंट्रोल्ड मैनर में ब्लास्ट किया जाएगा और यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिरकार किस तरह से यह ब्लास्ट किया जा रहा है और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं जिस जगह पर यह ब्लास्ट हो रहा है। अगर हम उसकी बात करें तो यह जगह किस तरह की है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्ट बनाया जा चुका है और इस सॉफ्ट की गहराई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 मीटर की गहराई है, 10 मीटर की गहराई है और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 57 मीटर 51 मीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ पर जो लाल झंडा आप देख रहे हैं वो बता रहा है कि यह खतरनाक जगह है। खतरनाक जगह इसलिए है क्योंकि जब विस्फोट किया जाएगा तो इसका खतरा ये रहता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई मिसकैलकुलेशन ना हो, इसके लिए ये सावधानी बरती जाती है। और यह जो विस्फोटक होते हैं, खासतौर पर अगर हम देखें तो प्लास्टिक विस्फोटक होते हैं, इनको बड़े कंट्रोल्ड मैनर में ब्लास्ट किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लास्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम ब्लास्टिंग की बात करें तो ब्लास्टिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बसाल्टिक राख है। बसाल्टिक राख को उड़ाने के लिए या तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है और जब कंट्रोल्ड मैनर में धीरे धीरे करके इसको एक एक करके विस्फोटक लगाए जाएंगे और उसका विस्फोट किया जाएगा तो सिर्फ एक विस्फोट में ये नहीं होना है, कई विस्फोट में ये होना है। तो यहाँ पर सायरन बज चुका है, सायरन को बजाया जा चुका है और खुद रेल मंत्री बटन दबाकर इसका, हम कह सकते हैं, इस विस्फोटक को कहीं ना कहीं उड़ाएंगे। तो यह काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और यह जगह अगर हम बात करें तो विक्रौली की है। विक्रौली में दो दो TBM मशीनों को नीचे उतारा जाना है। 21 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल यहाँ पर या बुलेट ट्रेन की टनल को यहाँ से बनाने का काम शुरू किया जाएगा और इसकी जो योजना बनाई गई है वो अलग अलग तरीके की है। यानी 21 किलोमीटर का एक हिस्सा NATM से बनाया जाएगा और बाकी हिस्से की अगर हम बात करें तो बाकी हिस्से को कहीं ना कहीं ये देखिए आवाज़ जो है आ चुकी है, विस्फोट हो चुका है और तालियों की गूंज आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह जो विस्फोट हुआ है अगर हम उसकी बात करें यह खास हो जाता है। तो एक बड़ा काम हुआ है। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो यह चीज़ अपने आप में ज़ोरदार है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल मंत्री खुद, सर पहला रिएक्शन देश के लिए हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और जो काम अंडर सी टनल का काम अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इस चैलेंजिंग काम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को एक आत्मविश्वास दिया है, जिस तरह से नए काम को, चैलेंजिंग काम को लेकर उसे सक्सेसफुल करने की जो प्रेरणा दी है, वो ये प्रोजेक्ट उसकी मिसाल है। ये करीब 21 किलोमीटर की टोटल टनल है, इसमें से करीब 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहेगी। जो डीपेस्ट पॉइंट है वो करीब 56 मीटर नीचे है और टनल बहुत ही चौड़ी टनल है, 13.9 मीटर मतलब करीब करीब 40 फुट के आसपास चौड़ी टनल है जिसमें दो लाइन रहेगी, एक लाइन अप और एक लाइन डाउन। दो लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी। टनल के अंदर भी 320 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलेगी। सर कब तक पूरा हो जाएगा सर? ये काम स्टार्ट हुआ है। देखिए इस काम में श्री उद्धव ठाकरे जी की जब तक महाराष्ट्र में सरकार थी तब तक उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। जैसे ही सरकार बदली, श्री एकनाथ शिंदे जी ने और श्री देवेंद्र भाई फडणवीस जी ने जब महाराष्ट्र की कमान संभाली, तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर परमिशन दी और उसके तुरंत बाद में सारे काम चालू हुए कंप्लीट और अब फिजिकल कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। बहुत जल्दी ये भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसको स्पीड अप करने के लिए कुछ इनोवेशंस किए गए। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब भी टनल बनाते हैं एक साइड से TBM डालते हैं ताकि वो जब तक टनल बोरिंग मशीन होती है TBM और वो फिर दूसरी डायरेक्शन से दूसरे एंड से निकलती है,
इसमें कोशिश की है कि काम को स्पीड अप करने के लिए चार जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ है। दो तो शाफ्ट है, एक एडिट है और एक फाइनल एंड है। तो इस तरह से करके चार जगह से काम स्टार्ट होने के कारण काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सर क्या इसके वजह से कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है, क्योंकि पिछली सरकार ने कई नहीं देखिए ऐसा है कि देश का ये पहला हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, और जैसे आप अगर देखो अंदाज लगाओ, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जैसे ही गाड़ी आपकी 70 की स्पीड से ऊपर जाने लगती है तो गाड़ी में कितना वाइब्रेशन होता है आप अंदाज़ा लगाओ। कार हो, बाइक हो, किसी में भी हो, ये हाई स्पीड रेल चलेगी 320 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। 320 की जब स्पीड से चलेगी तो आप इमेजिन करो उसकी डिज़ाइन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितनी डिफ़िकल्टीज होती है। तो ये अपना सबसे बड़ा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट में है कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझना कि किस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अपने को ठीक टाइम फ्रेम में करना होता है, उसको समझना, उसकी डिज़ाइन की कैपेबिलिटी समझना, क्या इक्विपमेंट यूज़ होंगे, क्या सेंसर्स यूज़ होंगे, किस तरह की कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी यूज़ होगी, वो सब समझना और सीखना हमारे लिए सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अपना देश बड़ा देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कई शहर ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या के शहर हैं, मेगा सिटीज़ बन रहे हैं, उन सब को एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, लो कॉस्ट लो टाइम वाला ट्रांसपोर्टेशन अगर देना है तो अपने को हाई स्पीड कॉरिडोर्स में महारत हासिल करनी पड़ेगी देश को। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं और टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा बिटवीन सूरत एंड बिलिमोरा, और उसके बाद में एक एक करके सारे सेक्शंस खोलते जाएंगे।